हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव जी की 3 बेटियां भी हैं? हाँ दोस्तों, भगवान शिव की 3 बेटियां थी। तो चलिए जानते हैं, एक्चुअली कम ही लोग जानते हैं कि भगवान शिव की दरअसल 6 संतान हैं। इनमें 3 पुत्र हैं और इन्हीं के साथ उनकी 3 पुत्रियां भी हैं। इनका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। भगवान शिव के 3रे पुत्र का नाम भगवान अयप्पा है और दक्षिण भारत में इनको पूरी श्रद्धा से पूजा किया जाता है। वहीं शिव की 3 पुत्रियाँ के नाम है अशोक सुंदरी, योति या माँ ज्वालामुखी और देवी वासुकी या मनसा। हालांकि 3 बहनें अपने भाइयों की तरह बहुत चर्चित नहीं है, लेकिन देश के कई हिस्सों में इनकी पूजा की जाती है। इनमें से शिव जी की 3री पुत्री यानी वासुकी को देवी पार्वती की सौतेला बेटी भी माना जाता है। मान्यता है कि कार्तिकेय की तरह पार्वती ने वासुकी को जन्म नहीं दिया था। तो चलिए इन 3 बेटियों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इनमें से पहला जो नाम है वो अशोक सुंदरी है, जो शिव जी की बड़ी बेटी अशोक सुंदरी को देवी पार्वती ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए जन्म दिया था। वो एक पुत्री के साथ 4 पुत्री का साथ चाहती थी। देवी पार्वती के समान ही अशोक सुंदरी बेहद रूपवती थी, इसलिए उनका नाम में सुंदरी आया है। वही उनको अशोक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो पार्वती के अकेलेपन का शोक दूर करने आई थी। अशोक सुंदरी की पूजा खास तौर पर गुजरात में होती है। अशोक सुंदरी के लिए ये भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने बालक गणेश का सिर काटा था तो वो डर कर नमक के बाड़ में छिप गए थी। इस वजह से उनको नमक के महत्व के साथ भी जोड़ा जाता है। दूसरा जो नाम जाना जाता है वो है देवी ज्योति। शिव जी की 2री पुत्री का नाम ज्योति है और उनके जन्म से जुड़ी 2 कथाएँ बताई जाती हैं। पहले के अनुसार ज्योति का नाम शिव जी की तेज से हुआ है और वो उनके प्रभामंडल का स्वरूप है। दूसरी मान्यता के अनुसार यति का जन्म पार्वती के माथे से निकले तेज से हुआ था। देवी यति का दूसरा नाम ज्वालामुखी भी है और तमिलनाडु में कई मंदिरों में उनकी पूजा भी की जाती है। और तीसरा बेटी के बारे में अगर जाना जाता है कि बंगाल की लोक कथाओं के अनुसार सर्पदंश का इलाज मनसा देवी के पास होता है। उनका जन्म तब हुआ था जब शिव जी का वीर्य कद्दु, जिन्हें सांपों के मां कहा जाता है, की प्रतिमा को छू गया था, इसलिए उनको शिव की पुत्री कहा जाता है, लेकिन पार्वती को नहीं। यानी मनसा का जन्म भी कार्तिकेय की तरह पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ था। बताया जाता है मनसा का एक नाम वासुकी भी है और पिता, सौतेली माँ और पोते द्वारा उपेक्षित होने की वजह से उनका स्वभाव काफ़ी गुस्से वाला माना जाता है। आमतौर पर उनकी पूजा बिना किसी प्रतिमा या तस्वीर के होती है। इसकी जगह पर पेड़ की कोई डाल, मिट्टी का घड़ा या फिर मिट्टी का सांप बनाकर पूजा किया जाता है। चिकन फॉक्स या सांप काटने से बचाने के लिए उनकी पूजा होती है। बंगाल के कई मंदिरों में उनका विधिवत पूजन भी किया जाता है। हालांकि शिव जी की पुत्रियों के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन पुराणों में कई जगह उनके उल्लेख होता है। तो दोस्तों, ये छोटा सा अपडेट मिला है, तो अगर आप लोग का अच्छा लगता है तो प्लीज़
लाइक करिए, और जो लोग नए हैं उन लोगों के पास रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी कुछ अनसुनी कहानियाँ आप लोगों को मिल सके, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी दबा दीजिए ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी चलते हैं, गुड बाय।